आप यू देखा, यू जो कलाकार, ये हमारा पठाली का कूड़ा पर रंदित है, ये जो लाखड़ा पर, देवदार का लाखड़ा पर और सागवानों का लाखड़ा पर जो कलाकारी हुई, यह कलाकारी अब आपते बहुत कम देखने के मिल रही। और 50-55 साल हुई मैं यहाँ आया। हाँ 55 साल। अरे ये कूड़े लगभग लगभग कितना टाइम हुई गुल्लो बढ़िया? हाँ वो ये 100 से ऊपर। 100 से ऊपर ज्यादा जो है। जी जगह पर मैं खड़ू हुई हूँ, कह के ऐसे आप खोल ही नहीं सकता, गढ़वाली में हम यही खोल ही होगा। तो ये खोली तय टाइम पर एंट्रेंस गेट मानी जान था, ये विशाल घर को जय पर कम से कम 17 से 18 कमरा थे। लगभग लगभग 1958 में बनी थे, 1958 समझा तय टाइम पर तो खैर हम हुए भी नहीं थे, लेकिन तय टाइम की डिग्गी या बनी। हेलो हाय नमस्कार, मैं हैरी नेगी और आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका इष्ट देव मालचंद देवता, गाड़ू कबूडा, मदन नेगी और भी आप सबों का इष्ट देव कुल देवता आप पर निरंतर कृपा बरसौंदी रहा जन पिछला साल की तरह। और यू साल भी आपते बहुत सारी खुशियां आप तक आपका घर लिया। तो हर साल की तरह जन मैं अपना गाँव औंद हुई, तो ई साल मैं आपते कुछ हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो हमारा गांव का रहा तो ऐतिहासिक धरोहर से आप ते रूबरू करानू। आप यू देखा कि मेरा पैथर जो कुड़ू दिखेण लग्यू, यू कुड़ू जो छा हमारा गांव का एक जानी मानी हस्ती जो सबसे पहली विधायक रहा हमारा गांव का गोविंद सिंह नेगी जी, तो को यू कुड़ू और आज के हालत में छा यह ऐतिहासिक धरोहर के स्थिति में छा वह आप ते दिखानू। गोविंद सिंह नेगी जी जो छ लाल घाटी का कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक रहन, और आज इन इन जो ऐतिहासिक धरोहर हमारा गांव में हो या फिर उत्तराखंड का कई गांव में भी हो, धीरे धीरे लुप्त छ होने लगी। तो यह का भीतर की जो कलाकारी छ या पर जो हस्तकला तय टाइम की हुई है, तो तय ही आप तय मैं थोड़ा दिखाऊं। यू पोर्शन जो आप देखने लग गया फ्रंट फेस, यू फ्रंट फेस है यह घर को और हमारा गांव को, मतलब आप यू समझा कि सबसे बड़ू कुड़ू यू ही था टाइम पर, लेकिन आज अस्त व्यस्त हुएगी। तो यू फ्रंट फेस बिटिन थोड़ा यू एथर बिटिन क्षतिग्रस्त हुएगी, तो यख का बाटा बंद हुआ। तो हम जरा आपते पैथर बिटिन दिखौला कि यू क्या स्थिति में देखा। अगर आप यह कूड़ा की चौड़ाई देख ला तो चौड़ाई कम से कम 25 से 30 फीट होली है कि चौड़ाई है ना नीरज, और एथर कम से कम 40-45 फीट कम से कम यह की जो छ लंबाई है। और अब आपते दिखानू यमयों को जो छ उखलियार हो रही, और यख बिठिन देखा आप कि क्या बेहद खूबसूरत हस्तकला यह पठाली का कूड़ा पर आपते दिखेण लगी। यू यह कूड़ा को पैथर वालो पोर्शन छ, लेकिन आप यू देखा यू जो कलाकार ये हमारा पठाली का कूड़ा पर रंदित है, ये जो लाखड़ा पर, देवदार का लाखड़ा पर और सागवानों का लाखड़ा पर जो कलाकारी हुई, यह कलाकारी अब आपते बहुत कम देखने के मिल रही। और ये का जो कलाकार भी छ जो यो लाखड़ो ते तराश दे, ये अब खोजने से नहीं मिलता। तो अगर आप केवल यो हाथीनुमा डिजाइन देख ला, अगर यू भी आप अगर बनाने की कोशिश खोला तो एक मिस्त्री कम से कम 2-3 दिन लग जा लो यो बनाने पर। और अगर आज भी सीमेंट का घर से यो की तुलना खोला तो कम से कम 2 गुना ज्यादा रेट यो कुड़ू को लो। लेकिन अब इन चीजें की वैल्यू हमारा वेस्टर्न ट्रेडिशन का बढ़ता प्रभाव का कारण बहुत कम लगी हूँ। तो एक ही कलाकारी देखा, थोड़ा एथर लिया कैमरा, ये देखिए ये कलाकारी देखिए क्या खूबसूरती से तराशी, और ये कम से कम 60-80-90 साल हुई गए होला, लेकिन अभी भी यह एज इट इज लाखड़ों पर बड़ी। तो थोड़ा भीतर बिटिन मैं आपसे दिखा लू, अब थोड़ा मैं आपको जो है अंदर की तरफ से दिखाता हूँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो ये उन्होंने जो है इस पे गेट भी लगा रखे थे तिबारी में, अक्सर थोड़ा बेहतर जगह दिखो ना गेट, नहीं कोई बात नहीं चल जाएगा। तो ये है उस टाइम का, ये देखिए आप ऊपर देख रहे हैं इस पे जो है सीलिंग तक कर रखी है, जो कि आप पुराने पठाल के घरों में सीलिंग बहुत कम देखेंगे। जानी मानी हस्ती जो विधायक थे हमारे गांव के पहले, उनका घर है ये देखिए आप, सीलिंग हो रखी इस पे देवदार की लकड़ियों की। आजकल की सीलिंग कितनी पतली होती है, और ये सीलिंग उस समय देवदार की लकड़ियों की गई है। इसके ऊपर भी जो है सामान स्टोर करने के लिए काफी जगह है, और अभी भी इतने सालों बाद ये ऐसा है कि कंडीशन में दिख रहा है। अब देखिए एक ये कमरा है,
जो थोड़ा बहुत कंडीशन में है बचा हुआ इस तरफ। नीरज भाई यहाँ दिखाना, थोड़ा दिख रहा है? चलो है ना, है ना। तो ये थोड़ा कमरा जो है अभी थोड़ा कंडीशन में, ये वाला कमरा है। और भाभी जी ई का पुराना ही हाथी होती जो ये पर लग्या थे भैर ना, एक कुछ बचा थोड़ा एक दो तक की लग्या की जो निकलिया थे निकली नहीं आते जो। अच्छा तही पर लगे। खैर ये तो बंद हुई गुल ना, ये आपको ताल दूंगा यू। ताल कौन? हाँ खोल दिया। अच्छा दे ये देखिए उस टाइम की अलमारी थी और ये अभी भी सेफ है। ये देखिए उस टाइम पे इस तरीके की अलमारियां बनाई जाती थी। और हमारी भाभी ये कमरा है देखिए कितना स्पेशियस है, कितना बड़ा है आज की डेट में। फिर भी 6-6 फीट की इसमें दीवार होने के बावजूद भी इस कमरे में कितनी स्पेशियस, 6-6 फीट की दीवार है यहाँ पर, 3-3 फीट की चौड़ी और 3 इस तरफ से और 3 इस तरफ से अगर देखेंगे तो, तब भी इस कमरे में कितना स्पेस है। ऊपर देखिए और कौन ये पारी की बात कर रहा, ये तो अचार रखने की वो है यार हांडी। हाँ तो ये है, ये पुरानी कंडिया है जो रखी रहती थी। और अब आप देखिए है ना, आप देख ये मठ छोड़ना खातिर यू रोड़ू थे या बांधियो थे तय टाइम को। और इस पर निस बिटिन बिबाटो थे या कोजक है ना, ये तो टूट गई ना यार। कोई बात नहीं देख लेते हैं। ये मेन कमरे जो आगे का कमरा था उसका रास्ता था, लेकिन ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अब ये देखिए आप, ये जो है नीचे वाले कमरा बैठ चुका है। किसी जमाने इस घर की जो है तोती बोला करती थी, लेकिन आज इस घर की जो है स्थिति ऐसी हो गई और लोग आजकल इंटरेस्टेड भी नहीं है इस तरीके के मकान के लिए। एक बाटो था तुम्हारा निस बिटिन उबौना के, वो भी टूट गई। निस बिटिन उबौन थे जो बाट खोल बंद नहीं हुई पार में, टूटेगी ना। हाँ टूटी सब टूटी। तो यक बेटी नहीं था को बाटू ना, यक में था तो यक में बंद कर में। अच्छा पहले यक मंगिन थे ए चौड़ो को बाटू ना। हाँ तो चौड़े खोल था यक पुराने चौड़े पहले। हाँ 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 तो तब मैं बंद कर दी। अच्छा ये है तो चला कोई बात नहीं है ना, ठीक है ठीक है। अरे हैको वाला कमरा के मतलब जगह ही नहीं अब जाना की ना, रास्ता ही नहीं जानो को। ना रास्ता नहीं जाना। अच्छा चल कमरा जान का नहीं। अच्छा और जब यू कंडीशन में थे कुड़ू तब रिचिन थे तुम? हाँ तब कौन तब रिचिन तो मैं है ना, कल साल हुई मैं यहाँ आया तो बिल्कुल टकाटक थे कुड़ू नी तब ठीक तो कल 55 साल हुई मैं यहाँ आया। हाँ 55 साल। अरे ये कुड़े लगभग लगभग कितना टाइम हुई गुल्लो बढ़िया? ये 100 से ऊपर ज्यादा जो 70 साल तो हमारे पठाले कुड़े ही हुई गया। हाँ, तो ऐसी पहली कोई बल्कि पुराण कुड़ी बुढ़ारो बनाए हमारे। हाँ तब ई पर देखा आप, ये जो हाथी दिखने लगे हैं आप हैं क्या खूबसूरती सी तरह से आई लाखड़ा पर बिल्कुल हाथी की बिल्कुल जो पूरा शेप छ तरह से यक देखा। और भी बहुत सारी कलाकारी एक कुड़ा पर तय टाइम की करी थे, लेकिन अब जो छ अब धीरे धीरे यो ध्वस्त हुई गई मामलो। ये देखा तो अब धीरे धीरे जब से जो है इस तरीके के घर पे लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया तब से जो है, अब आप ये देखिए इस हाथी को देखिए आप जो जिस तरीके से ये हाथी तराश रखा है, अगर आज की डेट में कोई मिस्त्री इसको बनाने पे लगे तो कम से कम 3 दिन की दिहाड़ी ले लेगा वो, और तब भी इस तरीके का नहीं बना पाएगा। तो ऐसी कलाकारियां थी जो पहले हमारे पैतृक घरों पे रहती थी, लेकिन आज वो धीरे धीरे जो है लुप्त होती जा रही है। अब कुछ टाइम बाद क्या पता ये घर देखने को मिले ना मिले, इसलिए मुझे लगा कि ये जो है हमारी गांव की ऐतिहासिक धरोहर है और इसको मैं आपको नए साल के दिन जरा अपनी संस्कृति से जुड़े कुछ तथ्यों को दिखा दूं। ये देखिए कुछ इस तरीके की कलाकारियां पत्थर पर उकेर रखी है ये, और ये छाजू बोल रहे हैं हमारी गढ़वाली माँ। तो ये जो है आकृतियां इस पे अभी भी तराशी है। और भाभी जी लगभग कत्ती कमरे थे ये कुड़ा पर? 16 कमरे थे इस घर पे लगभग 16 कमरे। और आज
ये ऐसे स्थिति में है, देखिए आप। जो जी जगह पर मैं खड़ी हूँ क्या ऐच आप खोली दी सकता गढ़वाली में हम यही खोली बोलगा, तो ये खोली तय टाइम पर एंट्रेंस गेट मानी जानते हैं। ये विशाल घर को जयपुर कम से कम 17 से 18 कमरे थे, तो इतना कमरा कम से कम बनाना बहुत बड़ी बात हो जानते तय टाइम पर। तो ये खोली आप देखने लगे, तो यह खोली का नाम से आज भी हमारा गांव में जानी जाती है, और यह ऐतिहासिक धरोहर का रूप में छा हमारा गांव में आज भी बची। लेकिन कई टाइम बाद क्या पता ये देखना क्या मिलू ना मिलू, तो मैंने सोची क्या थोड़ा कैमरा में यह चीज़ें रिकॉर्ड करके आपका सामने पेश करूँ। गाँव में लगभग एक दुई तीन पठारी का कूड़ा हुला बचा जो कंडीशन में हुला, एक आध हमारो या फिर एक आध और लोगों को। तो ये देखने लगे जो भी पठारी का कूड़ा लगभग डैमेज हुई है। अब लोग ज़्यादातर सीमेंट का ही कूड़ा बनाने लगे और पठाल हटा के टीन शेड का कूड़ा बनाने लगे। अब यू आज देखा यू रेखा कौन घर का यू थोड़ा बहुत कंडीशन में चले अभी भी है ना। तो इन्हीं दो चार घर हुला अब जो गाँव में बचे हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया हमारा जो संस्कृति से जुड़ा जो हमारा वत है सबसे आकर्षण का केंद्र पठाली का कूड़ा, ये बहुत रेयर अब देखने के मिलता। अब मोस्टली हर जगह सीमेंट का कूड़ा बनी गया। अभी जो मैं गांव का बीचों बीच धारा में आया हूँ क्या टाइम पर जब घर घर पर नाला नहीं होता था। अब तो स्वजल योजना और पता नहीं अलाने फलाने 50 योजना जो घर पर नाला आ गया, लेकिन पहले के टाइम पर ये सार्वजनिक डिग्गी था जब केवल एक ही जगह पर पानी होता था। ये लगभग 1958 में बनी थे, 1958 समझा तय टाइम पर तो खैर हम हुआ भी नहीं थे, लेकिन तय टाइम की डिग्गी या बनी और यखी में लोग आंदा थे और पानी भरता था। सैडी गांव की जो कचेड़ी बैठ दी थे और पूरी जनता जो है गाँव की जो यखमा आंदा था पानी ले। यू जो पोर्शन देखने लगे आप देखिए मैं सब लोग बैठ रहा था, लेकिन अब केवल यो एक हमारो ऐतिहासिक धरोहर का रूप में यह डिग्गी यख मर रखी। कभी कभार नहीं हुई पानी तो तब लोग यख भनौंदा। हमारा गांव का बहुत ही सामाजिक व्यक्तित्व है एक और गोविंद सिंह नौकाई नौसी हमारा भाई लगता है बड़ा, तो ये भी बहुत ही सामाजिक इंसान थे हमारा गाँव में और लाला का नौ से जाने जाते थे। ये तुत्तों को यू कूड़ो आप देखने लगे, तो गोविंद सिंह नेगी नौका ये भी नाम राशि है तो का जो पुराना जो कुकड़ मैंने अभी आपने दिखाई गोविंद सिंह नेगी जो पुराना विधायक थे। और ई गोविंद सिंह नेगी जी जो जो थे ये भी बहुत सामाजिक आदमी थे और तो अब जो है नया पैटर्न में कुड़ू बनायो। अब तो यख यू देखा यू तो को जो यू तो कुड़ू, तो दो चार लोग थे जो हमारा गाँव में जानी मानी हस्ती थे तो का घर से मैं आपते रूबरू का नाम लगूँ। अभी जो छह मैं गांव का बीचों बीच जय नगर बोल रहा है जब मैं सैडी मीटिंग होंगी आज भी गांव की, तो कई जगह पर आई हूँ और कई जगह ही आपते दिखाऊंगी। ये वाली जो हमारे गांव को मतलब बीच को सेंटर था जहाँ पर मतलब सभी लोग मिली के कोई पंचायत मीटिंग हुई थी या फिर कई मिलजुल को थोड़ा बहुत छोटे मोटे प्रोग्राम हो तो वो ये खीमा कर मंदिर भैरव देव का। तो जब भी व्यू बारात होंगी बारात जानी तो सबसे पहले ये मजू छ बारात रूपी के हर बारात आशीर्वाद ये नगर बगिन लेके जानी।